मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। दिल्ली में हुई श्रद्धा हत्याकांड पर संजय राउत ने बयान देते हुए कहा है कि ऐसे लोगों को भरे बाजार में फांसी दे देनी चाहिए और ऐसे मुद्दे पर राजनीति करना गलत है। आपको बता दें कि श्रद्धा और आफताब लिव इन रिलेशन में रहते हुए आफताब जो है ये श्रद्धा को प्रताड़ित किया करता था और आखिरकार श्रद्धा का मर्डर करके इसने शव के करीब 35 टुकड़े किए और फ्रिज में रख दिया था। एक एक कर टुकड़े ये मेहरौला के जंगलों में फेंका करता था, मगर अब आफताब ये पुलिस के गिरफ्त में है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए हुए हथियारों को भी बरामद कर लिया है और श्रद्धा के शव के जो टुकड़े थे उसे भी पुलिस ने बरामद किया है और जाँच के लिए लैब में भेजा जा रहा है ताकि ये पुष्टि हो सके कि श्रद्धा के पिता के डीएनए सैंपल से श्रद्धा के शरीर के जो टुकड़े हैं उसका मिलान किया जा सके। वहीं आज मीडिया से बातचीत करते हुए संजय राउत ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। की हत्या जो है मैं देख रहा हूँ जिस प्रकार से हत्या हुई है और जिसने भी की है कोई भी हो उसके ऊपर ये जांच चलेगी। हाँ, कानून काम करेगा नहीं, जो हमारे पास अब एविडेंस दिख रहा है कि उसने किया है, ऐसे लोगों को अरे बाजार में फांसी पर लटकाना चाहिए चाहे कोई भी हो। और खास करके हमारी लड़कियां जिस तरह से जंगल में फंस जाती है तो लड़कियों ने भी हमारी विचार करना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। उस लड़की के पिता का आक्रोश मैं देख रहा था, वो बार बार उसको समझा रहा था, पढ़े लिखे लोग हैं कि आप गलत करने जा रही हो, आप ये मत करिए, और लड़के मानने को तैयार नहीं। इस प्रकार की घटनाएं बार बार सामने आ रही, चाहे कोई इसे लव जिहाद कहे या कुछ कहे, लेकिन लड़कियां तो हमारी मर रही। तो मैं मानता हूं कि एक घोर और जघन्य अपराध है, कानून उनको कोई नहीं करेगा, हमको ही करना पड़ेगा, समाज को ही उतरना पड़ेगा।